गया था आज के भी वादन में आपके, आपने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया था। तो ये वादन मैं जो सुन रहा था, तो जैसे कि पिछले बार हमने कायदा देखा था, तबला वादन में जो कायदा बजता है जी हाँ। उसके बारे में हमने बहुत कुछ जानकारी आपसे ली थी, तो आज आपने जो बजाया था क्या ये भी कायदा ही है? जी नहीं, इसे पेशकार कहते हैं। पेशकार, तो पेशकार की खासियत क्या होती है? पेशकार का मतलब है पेश करना, जैसे कि प्रस्तुत करना। ये आमतौर पर तबला वादक जो है वो बिल्कुल तबला वादन के शुरू में ये बजाया जाता है पेशकार। कायदे में और पेशकार में ये सबसे बड़ा फर्क है कि कायदा में जो हम मुख को बोल लेते हैं उसी का पलटा या उसी का प्रसार करते हैं हर पलटे में। अच्छा। उलट पलट कर अपनी अपनी कल्पना शक्ति से कलाकार उसे प्रस्तुत करता है। कायदे में नियम यह है कि बाहर का कोई बोल उसमें नहीं ले सकते हैं। अगर धातिट 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 धागे तिना गिन ये कायदा चल रहा है तो उसमें तिरगिट नहीं बजेगा। अच्छा। या और कोई भी बोल नहीं, वही कायदा है उसका, वही उसका नियम है। पेशकार में ये आपको आजादी है कि आप धिंग धिन्ना धा धिन्ना धिन धा धा ति धा धा तिन्ना
टिटकत धा ती धा ती न, ये बजा रहे तो आप इसमें कोई और भी बोल बजा सकते हैं, तो जैसे दूसरे बोल भी उसमें शामिल हो सकते हैं। और अच्छे तबला वादक तो जो आगे चल के जो बजाने वाले हैं कायदा रेला या जो कुछ भी वादन है उसका इशारा पेशकार में छोड़ के जाते हैं। अच्छा। पेशकार में लयकारी का भी आनंद श्रोता लोग उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कलाकार तबला वादक पेशकार में अपनी कल्पना शक्ति को पूरे उसको आजादी है, वो बहुत अच्छा, जो अच्छा तबला वादक वो अच्छा पेशकार बजा ही लेता है। बिल्कुल। तो मैं देख रहा था समीर जी कि ये जो वादन हो रहा था पेशकार का, तो ये एक धीमी लय में हो रहा है। बिल्कुल। तो क्या पेशकार हमेशा धीमी लय में ही पेश किया जाता है? बिल्कुल, विलंबित लय में ही उसे बजाया जाता है। जैसे इसका मिजाज कभी द्रुत नहीं होता, धिंग धिन्ना धा धिन्ना, ऐसा कभी नहीं बजेगा। और धिंग धिन्ना धा धिन्ना धिन धा धा ति धा धिन्ना, उसका एक बिल्कुल अंदाज ही अलग है। आप समझ लीजिए सतार की आलापी जैसी होती है शुरू में, ठीक उसी तरह हर एक स्वर पे ठहराव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो नाद, उसका नाद जो है उसका आनंद कुछ अलग ही है इसके में। यानी तबला वादन को अगर हम गाने की या तंत्र वादन की अगर उपमा दे दी जाए इसमें, बिल्कुल, तो जो आलापचारी होती है तो तबले में वो पेशकार होता है। बिल्कुल। तो क्या ये आगाज जो है हमारे तबला वादन का, तो ये हमेशा पेशकार से होता है? बिल्कुल, तबला वादन की शुरुआत जो होती है वो तबला पेशकार से ही होती है। अच्छा। और फिर सिलसिलेवार ये वादन बढ़ते बढ़ते आगे जाता है। बिल्कुल, पेशकार बजने के बाद कायदा बजता है। अच्छा। कायदा के बाद रेला बजता है। हाँ। ये विलंबित लय में प्रमुख तौर पर ये तीन जो बातें हैं ये हर तबला वादन में बजाए जाते हैं, पेशकार, कायदा और रेला। तो जैसे कि कायदा तो हमने पहले देख ही दिया है, और हमने ये भी कहा था हमारे दर्शकों से कि पेशकार पहले बजता है कायदा बाद में बजता है, लेकिन फिर भी हम कायदा पहले देख रहे हैं और पेशकार बाद में देखेंगे। तो जैसे कि कायदे के बारे में हमारे दर्शक जान चुके हैं, तो हम रेले की तरफ क्यों नहीं मुड़े अभी? बिल्कुल। तो हमें बताइए ना रेले के बारे में कुछ। देखिए पेशकार और कायदे से रेले का जो जो बात है रेला, हाँ, वो बिल्कुल अलग ही है। उसका जो बोल की पंक्तियां जो हो भी एक दूसरे में बिल्कुल घुल मिल जैसे होती। हाँ। अगर कायदा आप ले लेंगे कि कायदा कैसा, उदाहरण ये आमतौर पर धाधा तीट धाधा तीना ताता तीट धाधा तीना, ये बिल्कुल ताल अंग से जा रहा है। अच्छा। ताल के हिसाब से आगे चल रहा है। हाँ। और इसमें दूसरा बोल नहीं है, इसलिए उसी तरीके से उसका जो ऐसा डिवीजन दिखते हैं, हाँ, जो खंड जो है, हाँ, वो दिख रहे। कोई भी कायदा ले लीजिए उसमें खंड दिख, तीसरी जाति के ले लीजिए, कोई भी जाति, जैसे धगन धा धग त्रिकट धधक गितक धिन धिन गिन, ये जो बात है ये रेला में नहीं है। रेला में एक एक बोल से दूसरा बिल बिल्कुल घुल मिल गया है। जैसे कि आप एक उदाहरण के तौर पर धातृकृतक धिन धातृकृतक धिन धातृकृतक धिन धातृकृतक धिन धातृकृतक धिन धातृकृतक धिन, एक में दूसरा बिल्कुल उसको बोल दिया है, बुनावट जो है एक बहुत गहरी होती है और एक दूसरे से इतनी मिली होती है कि उसको ये अलग नहीं किया जा सकता। और यही रेले की सबसे बड़ी खासियत है। तो और इसमें मैंने पाया कि इसमें जरा एक गतिशीलता मैंने महसूस की, गतिशीलता, ये ऊपर वाले लय में बजता है, यानी कि द्रुत लय में रेला बजता है। रेला हमेशा द्रुत लय में, द्रुत लय में बजता है। और दूसरी बात इसमें त्रिकट तक, त्रिकट तक त्रिकट तक त्रिकट तक, या नग दिन दिन गिन, यानी कि दिन तात्रिकट तात्रिकट तक दिन तात्रिकट तात्रिकट तक, ये बोल है। धृ त्रिकट तक ये बोल है। तो ये जो ऊंची लय में जाने वाली जो उत्सुक है वो बोल इसमें बजते हैं। अच्छा अच्छा, यानी ये बोल जो है ये लय बढ़ाने के लिए उत्सुक होते हैं। बिल्कुल। और इसका जो मिजाज है वो ऊपर वाले लय में ही अच्छा है। त्रिकट तक त्रिकट तक त्रिकट तक ये त्रिकट तक त्रिकट तक, ऐसा तो इस लय में त्रिकट तक का मजा नहीं आएगा। या फिर धातृकट तक धिन्तात्रिकट तात्रिकट तक धिन्तात्रिकट, लेकिन ये भी रेला भी जो है ये कायदा जैसा ही बिल्कुल ताल के अंग से जाते। एक मैं आपको रेला आप सुनाएंगे तो इसमें बहुत मजा आ जाएगा। एक रेला में सुना तो जो कि हमारे शुरू से हम जो तीन ताल सीख रहे तीन ताल में बजाता हूँ, तो श्रोताओं को समझ में आने के लिए एक मैं आसान रेला बजाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो
रेला का देखिए, ये तो एक उदाहरण के तौर पर दिया, इसको तो रेला में अलग अलग बोल लेके इसको इनवाइट करके धाधरीकृत भी हो सकता है, या फिर धाधरीकृत, ये तो बहुत अलग अलग, लेकिन एक मैं बता, एक इशारा दिया आपको जस्ट कि रेला इस प्रकार का होता है। नहीं, बहुत अच्छी तरह से समझा आपने रेला, कि इसके जो बोल है गतिमान होते हैं और उसमें जो मज़ा है, उसकी बुनावट जो होती है वो बहुत गहरी होती है, ये तो हमने जान लिया। तो कभी कभी जब तबले का जिक्र होता है, तबला वादन का जिक्र होता है, तो दो शब्द हमेशा हमारे कान पे आते हैं, तो एक तो होता है टुकड़ा और दूसरा होता है मुखड़ा। जी हाँ। तो ये टुकड़ा और मुखड़ा कब बजता है और उसका क्या होता है? देखिए, जैसे गायन में होता है बड़ा ख्याल छोटा ख्याल, ठीक उसी तरह तबले में भी शुरू में विलंबित लय में कायदा, पेशकार, रेला, ये रेला का रव भी एक प्रकार है। अच्छा। वो बहुत लेकिन एडवांस बात है, आगे उच्च स्तरीय बात है, वो तबले के हम जो जिन विद्यार्थियों को सिखा रहे उनको इतने जल्दी वो समझ में आना मुश्किल है और समझाना भी मुश्किल है, तो हम सीधे टुकड़े पर ही बात करेंगे। तो विलंबित लय में पेशकार, कायदा, रेला बचता है, उसके बाद रव भी बचते हैं, लेकिन द्रुत लय शुरू हो जाती है इसके बाद, और उसमें टुकड़े, मुखड़े, ये चीज़ें बजने लग जाती है। द्रुत लय में जो है, द्रुत लय यानी कि जैसा अभी धा, जिस लो जे धिन, ये लय पकड़ लिए, तो इसके बाद की द्रुत धा दिन दिन दा दा दिन दे, यानी कि मध्य लय द्रुत लय में, ये टुकड़े मुकड़े का आमतौर पर मध्य लय द्रुत लय में जो होता है। तो क्या सही माने में किसी बोलों का एक छोटा सा टुकड़ा होता है वो? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाता ही हूँ एक दो टुकड़े बजे। टुकड़े की विशिष्टता यह है मंगेश जी, ये किसी भी मात्रा से शुरू हो जाता है, किसी भी मात्रा से। हाँ, टुकड़ा जो है वो किसी भी मात्रा से शुरू हो जाता है और सम पे आ जाता है। अच्छा, और मुखड़े का क्या बात है? मुखड़े का वैसा ही, मुखड़े का अब किसी भी मात्रा से मुखड़ा शुरू नहीं होता है, आमतौर पर मुखड़ा जो है वो सम से शुरू होता है। अच्छा, ये मुखड़ा जो पहली मात्रा से हम पहली, एक मैं आपको बजा कर दिखाता हूँ मुखड़ा, और देखिए मुखड़ा और मुखड़े में भी एक बात है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन सम से मुखड़ा जो है वो सम से शुरू होता है, टुकड़े के जैसा बीच में से ही नहीं शुरू होता है। जैसा कि कहा जाता है कि बड़ी बड़ी खुशियां है छोटी छोटी बातों में, क्या बात? तो ये टुकड़ा मुखड़ा ये ऐसी बात है, छोटी क्यों ना हो लेकिन उसमें तबला वादन की बहुत बड़ी बड़ी खुशियां जो कि हमारे श्रोता, हमारे दर्शक महसूस करते हैं, ऐसी होती है। और टुकड़े में एक जो बात है मंगेश जी, उसमें ये नहीं कि टुकड़े में तिहाई नहीं होती, कुछ कुछ टुकड़े में तिहाई होती, जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो ऐसे टुकड़े में भी तिहाई भी होती है। अच्छा, तो ये टुकड़ा जो है ये जैसे हम कहते हैं कि चांद का टुकड़ा है। हाँ, बिल्कुल, तो ऐसे चांद के कई टुकड़े बिखर चुके हैं तबला वादन में। सच बात, तो बहुत ही खूब तरीके से समझाया आपने। तो हम कभी कभी नहीं, हमेशा ये देखते हैं कि तबला वादन का समापन जब होता है, तबला वादन अपने उरूज पे जब पहुंच जाता है और अब वादन खत्म होने की वक्त वादन खत्म होने का वक्त आ चुका है, तो ऐसे वक्त एक ही बोल को तीन बार घुमा के आप कुछ बजाते हैं और फिर उसके बाद में वो सम आती है और सब लोग उसके फिर दाद देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं आप? ये जो आप बात करें वो तिहाई है। तिहाई? हाँ। और अच्छा। तो कोई भी एक चीज जो तीन लय में बजती, हाँ, तीन बार बजती है उसे तिहाई कहते हैं। तिहाई, या आमतौर पर जैसे क्रांत्रिकृ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 त्
गाय का जो ऐसा किसी भी पेशकार ले लीजिए, कायदा ले लीजिए, रेला ले लीजिए, रव ले लीजिए, या कोई भी गत टुकड़ा या परन चक्रधार, जो भी चक्रधार में बात अलग है, लेकिन टुकड़ा परन इसमें जो है तिहाई से ही समाप्ति होती है, तिहाई। तो ये तीन बातों का मिश्रण है जी। तीन बार जब आवर्तन उसे फिर रिपीट किसी भी जाता एक है। कोई भी एक चीज तबले की एक ही बोल पंक्ति तीन बार बजकर सम पर आती है उसे तिहाई करते हैं। उसमें भी एक प्रकार है, कुछ तिहाइयां बेदम तिहाइयां होती है, ये तो अलग, वो तो आगे की बात, लेकिन तिहाई का जो तिहाई की जो बात है ये समझाने के लिए और एक बार मैं तिहाई बजा के दिखा। बिल्कुल बिल्कुल देखिए।
क्या बात है समीर जी, ये तो रही तिहाई की बात, हमने दूसरा भी एक शब्द सुना है तबले के बारे में, त्रिपल्ली जी। तो इसमें भी त्री आया है, यानी ये भी तिहाई जैसा कोई तीन बातों का समुच्चय हो सकता है। तो त्रिपल्ली क्या होती है? देखिए त्रिपल्ली ये बात, इसमें कौन सी तीन बातें आती है? जी हाँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए त्रिपल्ली का ये जो है उसका ये है कि एक ही कोई भी एक तबले की जो बोल पंक्ति है वो तीन लय में बज के सम पर आती है। अच्छा, यानी इसमें भी तीन बातें, तीन बातें, तीन लय, तीन लय है, तीन लय है इसमें। हाँ, हाँ। एक ही बोल पंक्ति तीन बार आ रही है। हाँ। लेकिन अलग अलग लय में आ रही है। अरे क्या बात है। एक कोई आप समझ, एक पट ले लीजिए या डेढ़ पट ले लीजिए। हाँ। और फिर उसकी दुगुन होकर सम पे आती है। क्या बात है। तो इसे आप सुनाइए हमें। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ। एक मैं आपको त्रिपल्ली सुनाता हूँ। मैं बोल के सुनाता हूँ तो हमारे विद्यार्थी लोग जल्दी समझ में आ जाए। बिल्कुल। ट धग तीर किट धात्रक धिकट कत गिगन घिंतरा नदा धगत तकट धग तीर किट धात्रक धिकट कत गिगन घिंतरा धग तकट। क्या बात, बिल्कुल महसूस किया है हमने। ये तीन लय में बज रहा है। और भी कई त्रिपल्ली में भी, हर एक त्रिपल्ली में कल्पना शक्ति का और सबसे बड़े इसका जो गणित है इसका भी हिसाब ये पकड़ के कभी भी तबला वादन में ये त्रिपल्लियां बहुत दाद दे जाती। बिल्कुल। नहीं, और उसमें एक तो गणित भी है जैसा आपने कहा, फिर जो बजाने वाला है उसकी प्रतिभा है, उसका जो रियाज है, और ये सब बातों का जो समुच्चय होकर ये तबला वादन जब आविष्कृत होता है तो वो तो बहुत मजा देता है। तो इसमें और भी कई ऐसी बातें हैं कि जैसे आपने कहा कि छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत अहमियत रखती हैं। ये जो बातें आपको बताया मैंने, त्रिपल्ली, मुखड़ा, टुकड़ा, ये जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कम आवर्तन बजने वाली लेकिन बहुत ही परिणाम साधने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमने महसूस किया है। तो आज तबला वादन को देखते हुए और उसको समझा के लेते हुए हमने ये महसूस किया कि ये बातें जितनी गहराई में हम जाए उतनी ज़्यादा हमें समझ में आती है, और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि और बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो हमें जान लेनी बाकी हैं। तो ऐसे ही कुछ बातें हैं कि जिनको कहते हैं लग्गी चक्रधार परन या गत तोड़े। तो मेरे ख्याल से परन, गत तोड़े, लग्गी, चक्रधार, ये समझा कर लेने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा हमारे और एक एपिसोड का। तो दर्शकों, आज हमने जो तबला वादन महसूस किया इसमें हमने देखा कि पेशकार क्या होता है, और इसमें और भी बातें हमने छोटी छोटी देखी कि जो बहुत बड़ी अहमियत रखती है। तो कुछ और बातें हम जान लेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।